तो प्रेस राजगीर टीम में आप लोग का स्वागत है। जो दिखा रहे हैं तमाम जानकारी, तो देखते रहिए हमारे साथ। जो अभी आए अतिथि रेस्टोरेंट, जो आरडीएच का निकट ही अतिथि रेस्टोरेंट खुला है, जो का अभी हाँ बिल्कुल नया है, अभी 10 दिन ओपनिंग हुआ है खोला, तो दिखाना चाह रहे हैं और अंदर की ओर जा रहे हैं, तो हम इनसे बात करते हैं। तो यहाँ पर क्या क्या उपलब्ध है बताइए, यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ रोटी बन रहा है, हाँ, तंदूरी चिकन है, पनीर टिक्का है, चिकन सीख कबाब है, बटर नान है, लच्छा पराठा है। तो इधर बन रहा है, तो हम अंदर की ओर जा रहे हैं, तो हम इनसे जानना चाहते हैं। यहाँ पर पहली बात, आपका शुभ नाम क्या हुआ? मेरा नाम सूरज कुमार है, हाँ। मैं यहाँ का कैश काउंटर पर रहता हूँ। यहाँ जो भी सामान है मतलब मिलता है, अतिथि रेस्टोरेंट नाम इसका है, और इसमें बहुत तरह के आइटम। होटल में क्या क्या उपलब्ध है यहाँ पर? अभी यहाँ पर 250 प्रकार के मतलब के आइटम उपलब्ध है, जो कि अभी 250 प्रकार के, जो कि 10% डिस्काउंट के साथ मिलता है अभी। कुछ इसलिए हम जानना चाहते हैं कौन सा अथी बना रहे हैं अभी, क्या कौन सा? 250 150 बोले कि 250 बोले हैं अभी? 250 में मतलब 50 को बता दीजिए कौन सा आइटम उपलब्ध है। 50 को वही चिकन बिरयानी में 10 को है, 10 रख आइटम है हमारा को, और मटन में भी 10 रख आइटम है, चिकन में 10 रख आइटम है भी, स्पेशल कहेगा उसमें भी आइटम है 10 रख के, रोटी में कहेगा 10 रख आइटम है, बटन रोटी, चिकन रोटी जो भी होता है, मिस्सी रोटी, तंदूर तरफ में उसमें भी 10 रख आइटम है, और उसके बाद भेज में कहिएगा तो इसमें पनीर काढ़ी है, पनीर शाही पनीर है, पनीर मसाला है, इस तरह से भेज मिक्स है, बहुत कुल मिलाकर ढेर सारे आइटम हैं। तो हम हाँ तो जा रहे हैं, और गेस्ट हैं बैठे हुए हैं जो जा रहे हैं टेबल पर, तो हम जा रहे हैं उनसे बात करने के लिए, तो क्या ऑर्डर किए हैं क्या नहीं किए हैं, तो देखिए हम इनसे बात करना चाहते हैं। तो आप क्या ऑर्डर किए हैं भैया बताइए? शाही पनीर, बटर मसाला, बटर मटर मसाला। कहाँ से आए हैं आप? बिहार शरीफ नालंदा से। अच्छा, उतना दूर से आए हैं आप? जी हाँ। अच्छा, तो उतना दूर से आए हैं यहाँ पर आने के लिए, तो कैसा लग रहा है अतिथि रेस्टोरेंट में आकर? बहुत ही अच्छा लग रहा है। हाँ, तो ये शाही पनीर ऑर्डर किए हैं। अब चलते हैं आइडिया सिटी न्यूज से बात करना चाहते हैं, आशीष भैया हैं, तो बताइए आशीष भैया। देखिए, सबसे पहली बात, राजगीर पर्यटन स्थल है, यहाँ पे होटल और रेस्टोरेंट की जो व्यवस्था है वो शुरुआत से अच्छी रही है, और इस हम पहली बार अतिथि रेस्टोरेंट राजगीर में आए हैं, और पहले भी हम बिहार शरीफ से राजगीर अक्सर आते रहते हैं, ठीक है, यहाँ पे कई सारे होटलों में हमारा जाना आना लगा रहता है, ठीक है, लेकिन जैसे हमने अतिथि रेस्टोरेंट के बारे में आप लोगों से ही सुना, हमें अच्छा लगा, तो हमें चलो एक बार चल के देखते हैं। अभी फ़िलहाल हमने पनीर चिल्ली, शाही पनीर और रोटी ऑर्डर किया, और दूसरी बात, खाना खाने के बाद तो स्वाद कम बता पाएंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात जो साफ सफाई है, व्यवस्था है, यहाँ के होटल स्टाफ का जो नेचर है, बिहेवियर है, और रख रखा हुआ, ये काफ़ी ही हटके, एक मॉडर्न टाउन में जिस तरह से कोई होटल की व्यवस्था की जाती है, साफ़ सफाई की जाती है, हमने वो चीज़ यहाँ पर देखा है। आप होटल की, मैंने सबसे पहले आते ही बाथरूम यूज़ किया। किसी भी के बारे में आप कैसे जानते हैं? सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हो, है ना। आज हम लोग राजगीर आए हैं, और राजगीर मालूम ही है कि अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल है। राजगीर विश्व के मानचित्र पर टूरिस्ट के क्षेत्र में सबसे ऊपर है, और राजगीर आए तो हम लोगों को मालूम हुआ आप ही लोगों के द्वारा कि भाई राजगीर में एक बेहतर होटल खुला है, अतिथि रेस्टोरेंट है, नाम तो बहुत अच्छा है, अतिथि है ना, अतिथि का मतलब ही होता है मेहमान, है ना, तो यहाँ तो हमेशा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मेहमान आते जाते रहते हैं, लेकिन हम लोग तो जिले के लोग ही हैं, है ना, तो जिले के लोग हैं तो कम से कम यहाँ का स्वाद चखना जरूरी है, तो इसी कारण हम लोग इसी रेस्टोरेंट यहाँ जा आ गए हैं कि कैसा यहाँ का व्यवस्था है, साफ सफाई क्या है, देख लेते हैं जरा, है ना, यहाँ का स्वाद वाद सब चख लेते हैं, और यहाँ का बनावट हमको काफ़ी आकर्षक लग रहा है ना, स्वच्छता भी बढ़िया है, अभी नया नया रेस्टोरेंट है, थोड़ा सा संघर्ष करना पड़ता है नया लोगों को, है ना, पत्रकारिता में आप आए हैं, आपको भी बहुत संघर्ष करना पड़ेगा, है ना, तो इसी तरह से रेस्टोरेंट है, बहुत सारे जो बड़े बड़े लोग हैं वो अभी इनको जमाने में बहुत प्रयास करना पड़ेगा, तो इसी के कारण आज हम लोग यहाँ पहुँचे हैं अतिथि रेस्टोरेंट में, यहाँ का आज हम लोग लजीज व्यंजन का स्वाद चखेंगे, है ना, कितना बेहतर रहेगा, अभी हम लोग ऑर्डर भी दिए हैं, है ना, तो अभी ऑर्डर क्या दिए हैं? अभी ऑर्डर हम लोग दिए हैं पनीर बटर मसाला का ऑर्डर दिए हैं, तंदूरी रोटी का ऑर्डर दिए हैं, है ना, ऐसा ही क्यों, पनीर और आइटम है ना,
और भी आइटम जिसको जो अच्छा लगता है, खाने का तो अपना अपना चॉइस है ना, अपना अपना पसंद है ना। हमको मान लीजिए कि तंदूरी रोटी अच्छा लगता है, किसी को मक्के का रोटी अच्छा लगता है, तो अपना अपना चॉइस है ना। तो हमें पनीर बटर मसाला अच्छा लगा जी, तो वो अभी मंगवाए हैं, अब तो स्वाद चखेंगे कैसा लगेगा, है ना। बिल्कुल समझते हैं कि अच्छा ही होगा, क्योंकि नया होटल है ना, बेहतर ही स्वाद होगा इसका। तो ये राजीव भैया थे जो जनादेश के चलाते हैं न्यूज, जो हम जा रहे हैं, एक थोड़ा स्थिति है जो इनसे बात करना चाहते हैं। हाँ, तो ये कुछ ना खा रहे हैं, अब कुछ क्यों नहीं खा रहे हैं? एक्चुअल में हमारा फास्टिंग चल रहा है अभी। क्या चीज़ का फास्टिंग चल रहा है? रमज़ान है, रमज़ान फास्टिंग का महीना है, फास्टिंग है, इसमें फास्टिंग में हम लोग कुछ खाते पीते नहीं हैं। लेकिन ये यहाँ के अतिथि रेस्टोरेंट के बारे में काफ़ी नाम सुना है, और इसी लेकर के हम लोग आए हुए हैं कि हमारे साथी लोग आए हुए हैं, कुछ ऑर्डर दिए, हमारे साथी लोग खा रहे हैं। लेकिन यहाँ का रख रखाव और साफ़ सफाई के बारे में बहुत ही अच्छा है, उम्दा है, देखने को लग रहा है कि अब फास्टिंग ख़त्म हो जाए तो एक दिन हम भी आकर टेस्ट करेंगे, क्योंकि लोग टेस्ट कर रहे हैं और खाना बताया जा रहा है कि अच्छा है। ये कब होगा फास्टिंग, मतलब कब कीजिएगा? ये फास्टिंग हम लोग का 6 बजे के बाद मतलब ख़त्म होता है, तो लेकिन एक्चुअल में अभी हम लोग नालंदा ज़िला से फिर 6 बजे के बाद यहाँ आ नहीं पाएंगे, तो इस लेकर के हम ईद हो जाने के बाद, ईद के बाद हम ज़रूर आएंगे यहाँ, और यहाँ मनपसंद चीज़ का ऑर्डर करेंगे। लेकिन काफ़ी रेस्टोरेंट काफ़ी भावुक कर दिया है, बहुत अच्छी अच्छा रेस्टोरेंट है साफ़ सुथरा के मामले में, तो आने वाले दिन में हम ज़रूर आ करके। तो ये रमज़ान कब ख़त्म होगा? अभी तो रमज़ान का 5 दिन हुआ है, 30 दिन रहता है, तभी 25 दिन के बाद ख़त्म होगा रमज़ान। 25 दिन के बाद ख़त्म होगा, तो रमज़ान में मतलब अभी ब्रेकफास्ट अभी नहीं कर सकते हैं? कुछ भी नहीं कर सकते हैं, सुबह 3 बजे के बाद से लेकर शाम के खाइएगा ना, शाम के 6 बजे के बाद ही जब मगरिब का अज़ान होगा तब उस टाइम हम लोग अफ्तार करेंगे, तो अभी तो दिन भर कुछ नहीं खा सकते ना, तो इसलिए करके ब्रेकफास्ट करते होंगे तो मतलब क्या खाते होंगे, सेब अनार वगैरह? वो जैसे जैसे जिसको जो मर्जी है वही खाते होंगे, लेकिन हम लोग जैसे खाते हैं दूध है, खजूर है सहरी के टाइम, उसके बाद फल फ्रूट जितना हुआ अफ्तार के टाइम वो सब खाए, उसके बाद फिर नमाज़ पढ़ने के लिए चले गए, तरावी है, नमाज है, बहुत सारी चीज़ें। रमज़ान बहुत पाबंदी का महीना है, बहुत बरकत का महीना है, इसलिए करके हम लोग इस महीने में बहुत सारी चीज़ से मतलब दूर रहते हैं। तो आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम आरजू बक्स है। तो ये भैया थे जो बहुत अच्छा लगा इनसे बात कर, तो हम जा रहे हैं अभी दिखाने के लिए केबिन वगैरह, जो बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है, अतिथि रेस्टोरेंट। देखिए आइए यहाँ लाभ उठाइए, हाँ फैमिली पैक है, देखिए यहाँ, देखिए आइए आराम से, हाँ 4 आदमी एक साथ खाइए, और यहाँ भी है देखिए, सब एक ही है, और इधर है, और किचन दिखा रहे हैं आप लोग को, तो किचन में देखिए रसोई घर है ये जो, हाँ साफ़ सफाई का इंतज़ाम पूरा है। तो अभी क्या बन रहा है यहाँ पे? पनीर चिल्ली बन रहा है जी, पनीर चिल्ली। हाँ पिछले खबर में बताए थे, मतलब तो बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है होटल। नहीं मालूम, हम तो अभी पहले आए, फर्स्ट पहले आए, लेकिन काफी तेजी से वायरल हो रहा है और बहुत दूर से लोग पहुंच रहे हैं। क्या अच्छी बात है। तो ये रसोई है, किचन। हाँ देखिए देखिए कितना अच्छा सा व्यवस्था है अतिथि रेस्टोरेंट में, एक बार आकर और मज़ा उठा कर जाइए अतिथि रेस्टोरेंट। नहीं जानते होंगे तो जानिए अतिथि रेस्टोरेंट, हमारे RDH का निकट ही खुल गया है, तो आकर देखिए और खाइए आराम से। और देखिए अपना, और देखते रहिए राजगीर टीम। थैंक यू, वेलकम। डिलीवरी सर्विस दिया जा रहा है कि आप घर से बैठे ही किसी भी तरह के भोजन का आप आनंद ले सकते हो एक कॉल करके, और आपको फ्री होम डिलीवरी मिलेगा। तो हम यही कहें